नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है और वीडियो को एडिट करके अपलोड करते हो आप यूट्यूब पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूबर होने के साथ साथ जब भी आप वीडियो को अपलोड करते होंगे तो आपको कभी ना कभी दोस्तों एक कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कह सकते हैं दोस्तों गाइडलाइन स्ट्राइक आपको देखने को मिल जाता है आपके चैनल पे। हो सकता है दोस्तों किसी कारण आपने यूट्यूब के रूल्स को वायलेट कर दिया हो तो आपको एक वार्निंग गाइडलाइंस देखने को मिल जाता है आपके चैनल पे, लेकिन ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन तो अगर किसी क्रिएटर की ओर से आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर आपने किसी कारण किसी तरीके से कंटेंट को यूज कर लिया है किसी क्रिएटर का, तो आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिल जाता है। तो आपको उसके बाद क्या करना चाहिए जब आपको फर्स्ट टाइम कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिलता है आपके चैनल पे? तो दोस्तों, ये वीडियो को आप पूरा देखें, चाहे आप अपने मोबाइल फोन से वीडियो को अपलोड करते हो या फिर पीसी से अपलोड करते हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको फर्स्ट टाइम जब कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के साथ साथ आपको एक एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक भी देखने को मिलता है, तो चलिए उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ रहेगा अगर 3 स्ट्राइक आप 90 डेज के अंदर किसी भी चैनल से आपके चैनल पे आ जाता है स्ट्राइक, तो दोस्तों आपका जो चैनल है वो टर्मिनेट हो सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियोस भी देखने को मिल रहा है और कौन से क्रिएटर ने आपको स्ट्राइक दिया है आपको देखने को मिल जाता है आपके चैनल पे। साथ ही दोस्तों जहां पे आपको रेड टेक्स्ट देखने को मिल रहा है वहां पे कॉपीराइट स्ट्राइक के एक्सपायर डेट मेंशन किया हुआ रहता है। और दोस्तों हमारे चैनल पे इसीलिए आपको एक्सपायर डेट देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि दोस्तों 90 डेज का जो टाइम इंटरवल था वो हमारे चैनल पे क्रॉस कर चुका है। जैसा कि दोस्तों हमारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक की डेट क्रॉस कर चुका है लेकिन अभी तक एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव नहीं हुआ है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों जैसा कि हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम कॉपीराइट स्ट्राइक है तो आपको कॉपीराइट स्कूल अटेंड करना पड़ेगा। और दोस्तों आप याद रखें, अगर आपके चैनल पे फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो आप उसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन भी ले सकते हो दोस्तों और मेल कर सकते हो यूट्यूब कम्युनिटी को रीचेक करने के लिए। और जब भी दोस्तों किसी क्रिएटर के द्वारा आपके चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं भी छोटा ही क्रिएटर हूं, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे किसी तरीके का टेंशन नहीं लिया। जिस क्रिएटर के द्वारा हमारे चैनल पे स्ट्राइक आया उसकी जो वीडियो है वो रिमूव हो जाएगी, तो और साथ ही 90 डेज के बाद आपका जो स्ट्राइक रहेगा आपके चैनल पे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम है तो आपको कॉपीराइट स्कूल को अटेंड करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे करा है, आप वीडियो पे चेक कर सकते हो। ये जो कॉपीराइट स्कूल है दोस्तों मेनली 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप चाहे तो डायरेक्टली अटेंड कर सकते हो, कोई सा भी टिक लगा सकते हो या फिर कोई सा भी चूज कर सकते हो और अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप चाहे तो प्रॉपर नॉलेज के लिए इसकी वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप चाहे तो डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे चेक कर सकते हो कोई सा भी आंसर को और अप्लाई कर सकते हो। आपको नेक्स्ट पेज पे आपको सारे आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमने सारे आंसर्स पे मार्क कर दिया, अब चलिए चेक आंसर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों आपको अगला पेज पे सारा आंसर देखने को मिल जाएगा, अगर आपने गलत मार्क किया है तो पर भी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने चेक आंसर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। बस उसके बाद दोस्तों आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपका जो कॉपीराइट स्ट्राइक होगा फर्स्ट टाइम का वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों याद रखें, जब भी आप वीडियोस को अपलोड करते हो तो अपने खुद के कंटेंट को अपलोड करें, इससे क्या होता है दोस्तों आपको किसी तरीके का डर बना हुआ नहीं रहता है चैनल का, और ना ही दोस्तों टर्मिनेट होने का चांसेस रहता है आपके चैनल पे, और आपकी जो कंटेंट है खुद का कंटेंट रहेगा तो आपके चैनल पे ग्रोथ भी आपको कभी ना कभी देखने को मिल ही जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे आप देख सकते हो यहाँ पे देयर इज नो कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन योर चैनल, और जैसा कि आप देख सकते हो आपका जो कॉपीराइट स्ट्राइक था वो भी आसानी से रिमूव हो जाएगा जब आप पेज को रिफ्रेश करते हो, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन पे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।